बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ बघारे खाने की रेसिपी। बघारा खाना बनाने के लिए यहाँ पर मैं टली प्याज ले रही हूँ, मैं इसे इस तरह से काट कर रखी हूँ। 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ। 2 टेबलस्पून नमक ले रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए। 1/2 टीस्पून शाह सीरा ले रही हूँ और थोड़े से दालचीनी के टुकड़े और 15 लौंग ले रही हूँ और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ले रही हूँ और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना और साथ हरी मिर्च ले रही हूँ। मैं इसे इस तरह से कट लगाती हूँ और यहाँ पर मैं 1 किलो चावल ले रही हूँ, बासमती चावल। मैं इसे अच्छे से वॉश कर इसे आधे घंटे के लिए भिगने के लिए रखी थी। यहाँ पर मैं 100 ग्राम तेल ले रही हूँ। इसके अंदर मैं कटी हुई प्याज डाल रही हूँ। मैं इसे लाइट फ्राई कर लूंगी। अब इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। अब हरा मसाला, हरी मिर्च, अब मैं इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। 1 किलो चावल के लिए यहाँ पर मैं 1.5 लीटर पानी ले रही हूँ। अब इसके अंदर मैं ये खड़ा मसाला ऐड कर दूंगी। और गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी और नमक ऐड करूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून ले रही हूँ नमक। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिए। अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी। 15 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूंगी और हाई फ्लेम पर रख दूंगी। अब अदहन आ चुका है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। अब हम इसे 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखकर कवर कर देंगे। अब 20 मिनट्स हो चुके हैं। इसमें का पानी बिल्कुल सूख चुका है।
अब मैं इसे 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर कवर करके रख दूंगी। 5 मिनट्स हो चुके हैं, बघारा खाना बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको ऑफ कर लूंगी और इसे डिश आउट कर लूंगी।